ये कहानी एक ब्रह्मम राक्षस की है जिसे आप लोग जानते ही होंगे। उस राक्षस का नाम है ब्रह्मम राक्षस है। इस पर कई कहानियां बनाई जाती है और राक्षस के अनेक नाम होते हैं, जैसे कि पिसाच, राक्षस, डायन, चुड़ैल आदि बहुत से नाम होते हैं। तो दोस्तों, चलो मैं अपनी कहानी पर आता हूँ। हमारे गांव में एक ब्राह्मण रहते हैं जिनका नाम दुर्जन सिंह है। दुर्जन सिंह को लोग दुर्जन जी कहकर बुलाते हैं। उनके घर से कुछ दूरी पर एक खेत था। उस खेत में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। वह बरगद का पेड़ बहुत पुराना था। कुछ समय के बाद उन्होंने उस खेत पर घर बनाने की सोची। पहले वाला घर बहुत छोटा होने की वजह से उन्होंने खेत पर घर बनाने की सोची। उन्होंने उस बरगद के पेड़ को काटवाया और अपना घर बनवा लिया। कुछ दिन तो ठीक ठाक चला, पर कुछ दिन बाद दुर्जन जी बड़े परेशान रहने लगे। वह कभी पूजा करते और कभी नहीं। तो उनकी बीवी ने उनके बदले स्वभाव को देखकर पूछा कि तुम आजकल पूजा नहीं करते हो और आजकल बदले बदले से रहते हो, कभी बच्चों को डांटते रहते हो, तुम्हें हुआ क्या है? दुर्जन जी के चेहरे पर मुस्कान आई और वह कहने लगे, मेरे घर को तोड़कर अपना घर तो बना लिया है और इसे क्या पूजा करने के लिए कह रही हो? मैं हितों भगवान हूँ, इसे पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है। वो कभी दांत मिचते, कभी बड़े प्यार से बोलते, कभी आंखें लाल तो कभी सही हो जाते। उनकी बीवी के शक हो गए कि जरूर किसी का साया है और वो बातें ऐसे नहीं करते हैं जैसे कि उनके अंदर से दो लोग बोल रहे हों। तब उनकी बीवी ने उनको बिठाकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। वो सोच रही थी अगर कोई होगा तो भाग जाएगा, पर दुर्जन जी पर उसका कोई असर नहीं पड़ा रहा था। वह एक टक लगाए देखे जा रहे थे। उनकी बीवी काफी मंत्र और गायत्री मंत्र पढ़े। तभी दुर्जन जी की आंखें लाल हुई और कहने लगे कि मैं किसी से नहीं डरने वाला नहीं हूँ और तू क्या समझ रही है, मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ने वाला हूँ। तब तक उसका छोटा बच्चा वहाँ आ गया। दुर्जन जी ने उसे जोर से पकड़कर अपनी तरफ खींचा लिया और ऐसा लग रहा था कि उसके सिर को कच्चा ही चबा जाएंगे। उसकी मम्मी बोली कि बच्चे को छोड़ दो, इसने क्या तुम्हारा बिगाड़ा है। दुर्जन जी की पत्नी ने अपने बच्चे को अपनी तरफ खींच लिया। उसने फिर पूछा, तुम कौन हो और मेरे पति के अंदर क्यों आए हो? आप हमसे क्या चाहते हो? आप हो कौन? तब उसने कहा कि अगर अपना भला चाहती हो तो बरगद के पेड़ लगाओ, जितना भी हो सके पेड़ लगाओ, फिर मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूँ और फिर मैं चला जाऊंगा। तब दुर्जन जी की बीवी ने 101 पेड़ बरगद के लगाए। एक दिन उसकी पत्नी ने देखा कि आज दुर्जन जी सुबह उठकर पूजा पाठ करके आ चुके हैं। तब दुर्जन जी के अंदर जो साया था उसने बोला, मैं तुम्हारे पति को आज छोड़ के जा रहा हूँ, तुम सदा सुखी रहो, तुम्हारे आचार विचार बहुत अच्छे हैं, मैं ब्रह्मम राक्षस हूँ, वैसे मैं किसी को नहीं छोड़ता और न ही किसी से डरता हूँ। तुम्हारे पति ने मेरे बरगद को काट दिया था जिस पर मैं हजारों सालों से रह रहा था। मुझे गुस्सा तो आया, पर मैं तुम्हारी अच्छाई के कारण मैंने इन्हें छोड़कर जा रहा हूँ, तुम्हारे पति को छोड़कर। तब दुर्जन जी अचानक सही हो गए। तब दुर्जन जी की बीवी की आंखों से आंसू निकल आए।